गरिमा, स्वागत है आपका IBN 9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। छपारा तहसील के डंगोरिया मोहल्ले में कल दोपहर एक घर में 3 लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिलते ही छपारा पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही सिवनी SP कुमार प्रतीक भी अपने दलबल के साथ मौके वारदात पर पहुंचे थे। वहीं से साइबर सेल की मदद से आरोपी की तलाश जारी कर दी गई थी। आरोपी को पुलिस ने रात्रि 2 बजे के करीब दर दबोचा। आरोपी इकरार उर्फ पप्पू खान ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसकी ज्योति साहू उम्र 40 के साथ अवैध संबंध थे और कुछ पैसों का लेन देन था। मृतक ज्योति साहू ने अपने पैसे मांगे तो इन दोनों के बीच कहासुनी हुई और इकरार उर्फ पप्पू अपना आपा खो बैठा और ज्योति साहू और उसके दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इकरार उर्फ पप्पू जो कि सिमारिया निवासी है और छपारा में संजय कॉलोनी में अपने परिवार के साथ निवास करता था। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ उनकी जमीन कुर्की, अवैध मकान पर बुलडोजर चलाना आदि कार्यवाही की जा रही है, जिस पर कार्यवाही करते हुए प्रशासन ने अपराधी के संजय कॉलोनी स्थित मकान पर JCB चलाकर मकान को जमींदोज किया। जिला सिवनी तहसील छपारा से कलीम कुरैशी की रिपोर्ट। इसमें जब दोपहर में हमारे पास करीब 2:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी तो हमने तत्काल फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट स्क्वाड और साइबर सेल सबको लेकर यहाँ पहुँचे थे, सभी अधिकारी, और मामले की गंभीरता को देखते हुए ये निश्चय किया गया था कि कुछ घंटों में ही इस मामले का खुलासा करना है और आरोपी को गिरफ्तार करना है। रात में करीब 2:30 बजे तक हम लोग लगे रहे और फिर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। आरोपी को भी राउंड अप कर लिया गया है और जैसा आप देख रहे हैं पीछे इसका अवैध निर्माण था, उसको भी तोड़ने की कार्रवाई जारी है। तो सर, जैसे कि आरोपी की हत्या करने की क्या वजह रही है, इस तरह का निर्माण? आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि महिला से उसके कुछ संबंध थे और उसी के सिलसिले में वो कई बार महिला के घर आना जाना करता था। कल कुछ पैसों के विवाद पर उनकी कहासुनी हुई और उसमें गुस्से में आकर उसने ऐसी हत्या कर दी। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।